आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम अभास सैनी है और सैंक्टम इंग्लिश में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा नंबर सीरीज का 8th चैप्टर है। अभी तक हम 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हमने सीरीज को काफ़ी हद तक निचोड़ दिया है, हर चीज़ सीख ली है हमने सीरीज में। हमने एन को कैसे डील करना है, एन में जो क्वेश्चन पूछते हैं आपके ऑप्शन में, जीपी में आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें आराम से आपका 1.5 से 2 मिनट जाता है, और हर बुक में आपको लेंथी वे है वो भी हमने डील कर लिया। हमने रामानुज जी की सीरीज़ देख ली, उसमें आपके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन के आते हैं ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप जो लोग डायरेक्ट ये सीरीज़ देख रहे हैं और ये वाला क्लास देख रहे हैं, तो आप पहले 1, 2 और 7.5 तक आप आराम से आइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और क्योंकि आपके पास टाइम तो होता ही है, अगर आप जल्दबाजी में सीखोगे तो आप कंसेप्ट नहीं बना पाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको मैथमेटिक्स कंसेप्चुअल बनानी है, आपको रट के नहीं बताना। मैं भी आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बता सकता हूँ जो आपके फॉर्मूले सीधा फॉर्मूले से बता सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है, आपको फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, डिराइव्ड जो करते हैं जितने भी हमारे मैथमेटिशियन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो मैंने आपको फिफ्थ क्लास में जीपी बताई, 6th क्लास में आपको मैंने रामानुज की सीरीज़ बताई, 7th क्लास में लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन में जैसे सीरीज़ होती है उसको सॉल्व करना बताया। अब मैं 8th क्लास आगे बढ़ा रहा हूँ। 8th क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो ये क्वेश्चन है ये एक्चुअल में कैट का क्वेश्चन होता है, लेकिन SSC ने आपसे पूछ लिया है और आपके मॉक में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और SSC ने किस तरीके से पूछा वो मैं 2nd क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको बता दूं मैं पहले, ये रिकर्सिव फंक्शन होता है। एक रिकर्सिव मतलब जिसपे सेकेंड टर्म की वैल्यू, मतलब सपोज करो मेरी एक सीरीज चल रही है ABC, तो मेरी सेकेंड टर्म की वैल्यू फर्स्ट पे डिपेंड करती है। मतलब मेरे को अगर फर्स्ट वैल्यू मिलेगी तभी मैं सेकेंड निकाल पाऊंगा। देखो ये अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देखो आप कितने अजीब तरीके से लिखे हुए हैं, मतलब आपको लगेगा बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें करना है क्या है, हमें ये सारा फोबिया हटाना है और हमें बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करना है, और वो तभी होगा जब आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत हाई लेवल पे होगा। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपकी फर्स्ट टर्म 1 है। अब देखो ये जो मेरे को गिवन है ना, ये मेरे को एक्चुअल में जनरल टर्म गिवन है। अब देखो अगर मैं इसके अंदर अगर मेरे को देखो A1 तो मुझे गिवन है, मेरे को A2 निकालना है, तो n मैं इसमें क्या पुट करूंगा, इसके अंदर n1 पुट कर दूंगा, तो मेरा A2 कितना आएगा, 2 into A1 + 5, मतलब 2 + 5 मेरा 7 आ गया। देखो मैं आपको पहले इसका ट्रेडिशनल वे बताऊंगा पूरा, और फिर मैं बताऊंगा कि आप इसको 2 से 3 सेकंड में कैसे कर सकते हो। वैसे 2-3 सेकंड में तो क्वेश्चन पढ़ना होता है, लेकिन सॉल्यूशन आपको 2 या 3 सेकंड में या 4 सेकंड में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ओवरऑल 10 से 12 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रेडिशनल वे क्या कहता है, पहले मैंने A1 निकाल लिया, A1 मेरे को गिवन था, A2 मैंने निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने A3 निकाला, तो A3 मेरा 19 आ गया। मैं कैसे निकालूंगा, A2 पुट कर दूंगा, मतलब मेरा 2 into 7 + 5, तो मैंने मतलब जो ये मेरा था A2 वो जनरल टर्म में पुट कर दिया। यहाँ से मैंने A2 निकाला, पुट करा 2 into previous term + 5, इस तरीके से मेरा पैटर्न चल रहा है। तो आप देखो एक तरह से सीरीज क्या बन रही है, 1, 7, 19, 43, इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे आपका डिफरेंस कितने का है, 6, यहाँ पे कितने का है, 12, यहाँ पे कितने का है, 24। अब आप देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा 6 into 2 की पावर 0, यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर मैं इसको लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 की पावर 1, इसको मैं 6 into 2 की पावर 2। देखो ये ट्रेडिशनल वे है, आपको ट्रेडिशनल वे स्ट्राइक नहीं करेगा एग्जाम में, मतलब कर सकता है 1% को कर सकता है, लेकिन उसमें भी टाइम वेस्ट जाएगा। तो जो 1% इतने ब्रिलियंट होते हैं वो इस पर टाइम वेस्ट करेंगे क्यों, आप ये सोचो। अब देखो आपको पूछा क्या है, A100 पूछी है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैं सीरीज बना रहा हूँ 1 + 6 + 6 into 2 + 6 into 2 की पावर 2 + 6 into 2 की पावर 3, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। देखो ये आप ट्रेडिशनल वे समझिए, आप इसको आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, और यहाँ पे ये कितना चलेगा आपका 6 into 2 की पावर 99 तक, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक कम हो रहा है ना, जब मैंने इसको निकाला तो यहाँ पे 0 था, तो एक कम चल रहा है, मतलब सेकेंड टर्म में जब मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट के बाद सेकेंड टर्म तब आएगी जब मैं 6 into 2 की पावर 0 ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं 2 की पावर 1, मतलब एक कम चल रहा है मेरा, थर्ड वाले में
आपका 2 की पावर 1 है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें निकालनी कैसे है वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए एक चीज मेरी समझिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो आपका कंसेप्ट, मैंने जो सिलेबस डिजाइन करा है ना आपका, जो इस चैप्टर का मैंने सिलेबस डिजाइन करा है वो बहुत सोच समझ के किया है, सबसे मुश्किल काम होता है वो। अब देखो ये अगर मैं आपको पहले करा देता तो मैं आपको जीपी से इसको सॉल्व करके नहीं दिखा पाता, लेकिन अब मेरे को जीपी पता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 6 कॉमन ले लूंगा। अब मेरा क्या आएगा, 1+2+ इस तरीके से मेरा 2 की पावर 99 तक चलेगा। अब देखो ये क्या हो रहा है आपका, आर इसमें क्या है, 2 है, मतलब जो मेरा कॉमन रेशियो क्या है वो 2 है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सम होता है, जीपी का सम होता है वो कितना होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, आर आपका कॉमन रेशियो होता है। आप पहली वाली क्लासे देखते हुए आइए, आपको पूरा क्लियर होगा आराम से। अब यहाँ पे देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर, देखो ए तो मेरा 1 है ना, तो मैं लिखूं चाहे ना लिखूं एक ही बात है, 2 की पावर 99 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये 1 है, इसकी भी जरूरत नहीं थी। अब देखो 1+6 × 2 की पावर 99 माइनस 6, क्योंकि 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 6 और 1, तो मतलब मेरा आंसर क्या है, 6 × 2 की पावर 99 माइनस 5। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूँ कि मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आप देखोगे ऑप्शन डी आपका मैच हो गया, आपका डी ऑप्शन, ओहो मैंने ऑप्शन ही गलत लिख दिया, यहाँ पे आपको माइनस आना था, 2 ऑप्शन सेम लिख दिए, तो आपका डी ऑप्शन आपका मैच कर गया। अब देखो इसको स्मार्ट तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए मुझे एक बार ऑप्शन फिर से लिखने पड़ेंगे। मैं फटाक से ऑप्शन लिख देता हूँ आपका, 5 × 2⁻⁹ 5 × 2⁻⁹ + 6 आपका 6 × 2⁻⁹ + 5 और 6 × 2⁻⁹ - 5। अब देखिए मेरे को ऊपर से क्या पता है, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म मेरी कितनी आ रही है, 7। तो अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे आपका 99 है और पूछा उसने टोटल 100 टर्म है, तो मैं आप शुरू की 2 टर्म अगर ऑब्जर्व करते हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मतलब ऑप्शन में अगर मैं डालता हूँ, मैं शुरू की 2 टर्म ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा सेकेंड टर्म जो आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। अगर मैं इसमें 99 की जगह, अब देखो एक काम चल रहा है ना, मैं 5 × 2 की पावर 1 पुट करूंगा, क्योंकि मैं सेकेंड टर्म को चेक कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म मेरी 7 आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक काम चल रहा है तो मैं 5 × 2 की पावर 1, क्योंकि देखो 100 होना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन 99 तो एक काम चल रहा है, मैं सेकेंड पे चेक कर रहा हूँ तो मैं 2 की पावर 2 नहीं लूंगा, मैं 2 की पावर 1 लूंगा, -1 - 6 आपका ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 5 × 2 = 10, 10 में से आपका 6 गया 4, क्या मेरा 4 है सेकंड टर्म, नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखो यहीं पे देख लो, इसमें बस प्लस और माइनस का तो डिफरेंस है, तो आपका 10+6 नहीं हो सकता ये भी। आप यहाँ पे देखो 6 × 2 की पावर मैं 1 लूंगा, क्योंकि सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ ना, तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 12+5 नहीं हो सकता, 14 आना चाहिए मेरा, 12+5 कितना, 17 आ रहा है, लेकिन 12 माइनस 5 कितना आएगा, 7, तो मेरा ऑप्शन डी। देखो आपने कितने स्मार्ट तरीके से कर लिया। अब ये कैट का क्वेश्चन क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये ऑप्शंस से डील आपको करवानी है मुझे, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। आप देखो एसएससी ने क्या पूछा है, हाउ मैनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर देयर, मतलब 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर कितने हैं। देखो अगर मैं बात करूं 1 डिजिट्स की, मतलब 1 डिजिट वाले कितने पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 डिजिट, देखो यहाँ पे डिजिट्स है, तो 1 डिजिट वाले कितने होते हैं, 1 से ले 1, 2, 3 इस तरीके से, मेरे 9, मतलब मेरा 9 होता है। अब देखो मैं इसमें ट्रेडिशनल करूं ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको जब तक मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन इसलिए समझाया, देखो ऑप्शन देख के आपको बनाना कैसे, जैसे हमने उसमें सेकंड टर्म देख के बना दिया था, इसमें देखो कैसे बनाओगे। अब देखो अगर 2 डिजिट्स की बात करते हैं तो 2 डिजिट कौन सी होती है, 10 से लेकर 99। अब मेरे से पूछे कितनी होती है, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जब मुझे n निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस जो होता है +1। तो इसमें कितना, एक एक का डिफरेंस चल रहा है, तो 99 - 10 / 1 + 1, तो मेरा कितना आ गया टोटल आपका, 89 + 1 = 90, ठीक है। 3 डिजिट की बात करते हैं, मतलब मेरा 9 टर्म्स आ रही है, ये 90 आ रही है, 3 डिजिट वाली कितनी होती है, अब आप देखो 100 से लेकर 100 to 999 होती है। इसी तरीके से आप निकालोगे लास्ट माइनस फर्स्ट, तो मेरा कितना हो जाएगा, कितनी हो गई टोटल आपकी, 900। अब देखो मेरे को
अब मैं ऐसे क्या करते देखता देखते ही रहूंगा आगे, मतलब 100 digits तक पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको देखूंगा, मैं 9 को देखूं, मैंने सबसे पहले देखा ये मेरा पैटर्न चल रहा है। देखो ऑप्शन ऑप्शन पे एक नजर होनी चाहिए आपकी, देखो अब देखो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 × 10⁻⁰ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। देखो किसी की भी पावर जीरो होती है, अगर मैं यहाँ पे 1 lakh की पावर भी जीरो करूंगा, ठीक है 1 lakh की पावर भी जीरो करूंगा तो आंसर मेरा 1 आएगा, किसी की पावर 0 1। तो देखो 9 × 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब 2 digit वाला देखो 90 है ना, तो 9 × 10 की पावर कितना 1 लिख सकता हूँ। हाँ तो 2 वाले में कितना आ रहा है, 9 × 10 की पावर मतलब यहाँ पे 1 कम। 3 वाले में कितना आएगा, 9 × 10 की पावर 2 मतलब 2 कम। अब मेरे से 100 पूछा है तो 9 × 10 की पावर 99, कितनी देर लगेगी आप मुझे कमेंट में यहीं पे वीडियो पॉज करके बताइए कितना टाइम लगेगा आपको। और ये SSC ने पूछा है, SSC इसी तरीके से पूछेगा आपसे। देखो ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता, मैं भी आपको प्रीवियस ईयर करवा सकता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैंने भी काफ़ी सारे सॉल्व कर रखे, बहुत स्मार्ट वे से सॉल्व कर रखे क्वेश्चन पेपर, लेकिन प्रीवियस ईयर सॉल्व कराने से आपका आने वाला साल अच्छे से नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कंसेप्ट इसीलिए बता रहा हूँ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं प्रीवियस क्लास पे कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ, देखो उसमें मेरे को उतना ही बताना था। अब हम जो मैंने बताया है मैं चेक करना चाहता हूँ आप लोग उसको कितना डिराइव्ड कर सकते हो, मतलब अगर मैं थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लूँ क्या आप कर लोगे। देखिए अब ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए दिया है ताकि आप डिराइव चीज़ों पे भी काम कर सकें, जितना मैं बता चुका हूँ सिर्फ उतना नहीं, अगर मैं आपसे थोड़ा डिराइव तरीके से क्वेश्चन पूछूँ तो आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ मैं चेक करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं आपको समझाना भी चाह रहा हूँ। मैं ऐसे तो आपका चेक नहीं कर पाऊंगा तो मैं वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये क्या है, मैं ये वाला क्वेश्चन मैं 2 मेथड से करूँगा। देखिए पहला मेथड आप लोग समझिए, पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड में देखो 1/30 + 1/42 + 1/56 इस तरीके से मेरा चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं 1/30 को 1/5 × 6 लिख देता हूँ, और सिमिलरली 1/42 को यहाँ पे देखिए आपका 1/5 × 6 + 1/6 × 7 इस तरीके से अगर मैं चला दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपका, यहाँ पे 10 × 11। अब मेरी एक बात बताइए, क्या मैंने आपको ये थर्ड उसमें बताया है या नहीं बताया, आप अगर प्रॉपर सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये तो HP वाला फॉर्मूला लगता है इसमें। क्यों, देखो आपका डिफरेंस कितना चल रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला पहले मैं बिना फॉर्मूले वाली चीज़ बता देता हूँ, फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो डिफरेंस 1 है तो बहुत ईजी रहेगा, मेरे को टेक केयर नहीं करना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट वाली टर्म को 1/5 − 1/6, सेकेंड वाली को 1/6 − 1/7 इस तरीके से मैं अपॉन 1/10 − 1/11 इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये मेरी सारी कटती जाएंगी, फर्स्ट और लास्ट बच जाएगा। तो मेरे से अगर पूछेंगे सिर्फ इतनी वैल्यू निकालनी है तो मैं शुरू की पहली ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ अभी, तो 6/55 इतना आ गया। अब देखो एक बात बताओ, ये तो मैंने आपको वो तरीका बता दिया जब आपने फॉर्मूला यूज़ नहीं करा, मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, फॉर्मूला मेरा क्या था, मैं एक बार रिवाइज भी करा रहा हूँ आपको इस तरीके से, 1/D × नंबर ऑफ टर्म्स वो अपकमिंग ब्रैकेट में आने वाली वो कितनी होती है, जितनी टर्म्स दे रखी होती है उसका -1 होता है, तो यहाँ पे 1/1 − 1/1 − 1/1 − 1/1 तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्या होगा, D तो मेरा 1 है, नंबर ऑफ टर्म भी आने वाली 1 होगी, तो सीधा मैं यहाँ पे सीधा 1/5 − 1/11 लिख सकता था, तो आपको उसमें बहुत बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, 6/55 कितना आ जाता। अब देखिए ये तो आपकी ब्रैकेट जो मैंने फर्स्ट सॉल्व करी है वो थी, सेकंड ब्रैकेट आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा क्योंकि उसमें क्या है, बहुत एक क्लस्टर वे में लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ फिर से, क्या है 1/2 × 1 × 2 × 4 + 2 × 4 × 8 + 3 × 6 × 8 + 12 + इस तरीके से मेरी न्यूमरेटर चल रहा है, और डिनोमिनेटर के कैसे चल रहा है मेरा 1 × 3 × 9 + 2 × 6 × 18 + 3 × 9 × 27 इस तरीके से मेरा डिनोमिनेटर चल रहा है। अब आप एक बात बताइए ये कैसे सॉल्व करोगे, अब आप सबसे पहले देखो कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, 1 × 2 × 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 इस तरीके से बचेगा या नहीं बचेगा, देखो ध्यान से समझिए आप। देखो मैंने पहली टर्म उठा ली तो अंदर तो सिर्फ 1 बचेगा, इसमें अगर मैं फर्स्ट वाली में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, मिल जाएगी, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो थर्ड टर्म मिल जाएगी, मिल जाएगी। अब देखिए नीचे भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या,
अब आप देखोगे नीचे भी सेम चीज हो रही है, 1 × 3 × 9 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आपका 1 + 2 + 3 ये जितनी भी टर्म है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, कट जाएगा। और ये देखिए आपका ये जो इधर वाली ब्रैकेट कितनी आएगी सीधा 8/27। अब मेरे को आंसर पूछा है तो मैं पहली वाली मेरी पहला कितना आया था 6/55 + 8/27 मेरे को आंसर निकालना है, मैं अभी ऑप्शन यूज नहीं कर रहा। तो देखो डिनोमिनेटर मेरा सीधा कितना आएगा 55 × 27 और यहाँ पे आपका 27 × 6 + 8 × 55। अब देखिए मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, क्योंकि सब बोल रहे हैं कैलकुलेशन बताते रहिए आप, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे 55 × 20 + 55 × 7 ये कितना होता है 55 × 2 = 110, तो 1100 तो ये हो गया। प्लस अब 55 × 7 मेरे को 55 का नहीं आता, तो 50 × 7 + 5 × 7 तो 50 × 7 = 57 = 35, तो 350 ये आ गया, 35 ये आ गया, तो सीधा आपने कितना लिख दिया 1485। जब आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में 1485 आ रहा है तो आप एक सेकंड में पहचान जाओगे कि मेरा आंसर डी है। देखो ये तो बात हुई आपका एक प्रॉपर वे जो हमें फॉलो करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ 2 सेकंड में कैसे करोगे। देखो 2 सेकंड में तो नहीं, खैर 3-5 सेकंड तो लगेंगे। देखो जैसे ही आप पहली सीरीज निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें 55 आ रहा है, और पहली सीरीज भी आपको सीधा आप फॉर्मूले से निकालिए तो 55 आ रहा है। 55 का मतलब इसके अंदर 5 × 11 है। तो आप एक चीज देखिए कि 11 का मल्टीपल अगर मैं चेक कर लेता, क्योंकि देखो 5 के तो मेरे पास लास्ट में 5 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मैं 11 का मल्टीपल अगर डिनोमिनेटर में चेक कर लेता तो मेरा आंसर बात बन जाती। देखो यहाँ पे कितना है 3 + 1 = 4, मतलब मैं अल्टरनेट प्लस करता हूँ 2 और फिर माइनस करता हूँ 3 + 1 = 4 और 1 + 5 = 6, 6 में से 4 गया 2, नहीं है ये 11 से डिविजिबल। अब यहाँ पे किया मैंने 8 और यहाँ पे 10 आ रहा है, तो 10 में से 8 गया 2, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो 7 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तो लास्ट मेरा ऑप्शन ये मैं 2 सेकंड में कर सकता था, 2 से 3 सेकंड में मैं 11 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हो, जैसे 1 1 1 1 है तो इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को प्लस करो अल्टरनेट, मतलब इसको और इसको प्लस किया और इसको इसको प्लस किया सेकंड और फोर्थ को, तो आपने जब देखो 2 - 2 आ गया 0, अगर 0 आ रहा है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है ना तो वो 11 से डिविजिबल है। ये हम नंबर सिस्टम जब हम करेंगे तो सबसे पहले मैं इस तरीके से आपका बेस बनाऊंगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन SSC ने पूछा है और आप लोग क्या करते हो उसको सॉल्व करने लग जाते हो। अब मैं इसमें आपको इतना सॉलिड कंसेप्ट बताने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत ही मजा आने वाला है। देखो अब कैसे, देखो 3/2 का मतलब क्या है 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2.25 से। तो मैं एक चीज बताओ, अगर मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.5 से फिर 2.5 से, मतलब मेरा देखो न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, आगे फिर से न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो वैल्यू तो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ ना, तो क्या मेरा आंसर 0, 1 और 2 आ सकता है? आ ही नहीं सकता, 2 और 1 बिल्कुल नहीं आ सकते, इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो मेरा आंसर इन्फिनिटी। अब ये कई लोग सोच रहे थे SSC ने गलत दे दिया है और सबको फेवर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। SSC बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाने लग गया है 2017 से, बहुत सॉलिड क्वेश्चन बनाने लग गया है। वो आपका अकेडमिक के, मतलब जैसे कैट में क्या होता है, कैट में आपका लॉजिक बहुत अच्छा पूछा जाता है, लेकिन क्या SBI PO में भी ऐसे ही होता है, तो आपका लेकिन SSC ने क्या किया है, आपके अकेडमिक के इतने अच्छे क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए हैं। और आपका देखो, आप लोग सिलेबस के पीछे भागते रहते हो कि सिलेबस करना है सिलेबस करना है। अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोई बता सकता है कि सिलेबस में कहीं ये चीज़ लिखी है जो इन्होंने पूछी है? नहीं पूछी ना। तो आप लोग ट्रस्ट कीजिए किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपको जहाँ से भी लर्निंग मिल रही है ना आप लेते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही चैनल फॉलो करना है, ये सब कहने की बात होती है, आपको जहाँ पे मजा आ रहा है वहाँ पे देखिए। और लेकिन ये जरूर है कि आप रेलेवेंट चीज़ें करिए। देखो RD शर्मा उठा के और RS अग्रवाल उठा के या कोई भी हैवी बुक उठा के कोई भी करवा सकता है, क्योंकि उनमें सॉल्यूशंस भी होते हैं, और या फिर आप अपने सॉल्यूशन से भी करवा सकते हो। लेकिन होता क्या है, वो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, और वो एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं आपका, आपका वो डोंकी वर्क चेक नहीं कर रहे, आपका स्मार्ट वर्क चेक कर रहे हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ये किसी ने मुझसे पूछा था, ईमेल की थी, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी लगा मुझे, लेकिन है ये वही चीज़ जो मैं करवा चुका हूँ, लेकिन आप लोग पकड़ नहीं पाए। देखिए इसमें क्या मेरा, आप सबसे पहले आपने जैसे क्वेश्चन देखा यहाँ पे, देखा मैंने डिनोमिनेटर मेरा बिल्कुल सेम आ रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें ऑप्शन, मेरे को पता चल जाएगा ऑप्शन वाला काम तरीका मेरा फंस सकता है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। देखो एक चीज़ बताओ, अगर मैं फर्स्ट टर्म को 1/3 लिख दूँ, सेकेंड टर्म को 2/, देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 21, कैसे 16 + 4 + 1 = 21, तो यहाँ पे आपका उसके बाद कितना प्लस करोगे
3391, ठीक है, बस तीन निकालो, ये मेरी सीरीज बन रही है। अब फिर से देखो ये क्या, ये मुश्किल सीरीज है? नहीं है मुश्किल, क्यों? 1 × 3 + 2 / अब यहाँ पे देखो 3 × 7 + 7 × 13, इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब मेरे को एक बात बताइए कि इसमें, अब कई लोग सोचेंगे कि इसमें तो वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, लेकिन देखो वो फॉर्मूला भी किस चीज से बना है, वो लॉजिक से बना हुआ है। ऊपर आप ये यहाँ पे आपका 3 आना था ना, हाँ यहाँ पे आपका 3 दे रखा है क्वेश्चन में। एक बार मैं चेक कर देता हूँ मैंने क्वेश्चन ठीक से उतारा या नहीं उतारा। नहीं नहीं सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है 10, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 3 आना था, देखो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर भी अलग अलग आ रहा है, तो मैं चेक करूंगा क्या ये न्यूमरेटर मेरे को कुछ एडवांटेज दे रहा है। देखो अगर मैं इस पहली टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, 1/1 − 1/3 लिख देता हूँ, तो ऊपर क्या आएगा अगर इसको आप सॉल्व करोगे, तो 3 − 1 = 2, तो मैं 1/2 कर दूं, तो ये मैं फर्स्ट टर्म ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ प्लस। अब अगर मैं लिखता हूँ इसको 1/3 − 1/7, अब 7 − 3 कितना आ रहा है ऊपर, 4 आ रहा है, लेकिन हमारे को दिया कितना है 2, लेकिन अगर मैं इस 1/2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फिर से टेक केयर हो जाएगा। सिमिलरली मैं एक चीज और करके दिखा देता हूँ, वैसे इतने में आपको क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न बन रहा है मेरा। अब ये 1/7 − 1/13 इस तरीके से। अब देखो यहाँ से फिर से क्या होगा, ये आपका कितना आ रहा है 70, यहाँ पे आप देखो 13 − 7 कितना आ रहा है 6, लेकिन ऊपर 3 दे रखा है, इसका मतलब 2 मेरा काट देगा। तो मतलब मैंने 1/2 को पूरी ब्रैकेट से सॉल्व करना था, मल्टीप्लाई करना था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करता चला जाएगा, करता चला जाएगा सब कुछ, लास्ट में आपको 10th जो दे रखी है, 10वीं टर्म दे रखी है 10th टर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जो मेरा 10th टर्म था उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मेरा करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो मैं 10/1/1/1 करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इस चीज में अगर आप फंस रहे हो ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप 10 सेकंड और निकाल सकते हो और लिख सकते हो कि 10th टर्म मेरी कितनी आ रही है, 10/1/0/1/0/1, क्योंकि देखो आपका 10^4 है, यहाँ पे देखो 10^4 है, 10^2 है और 1 है, तो मेरा यही आएगा आंसर। अब मेरे को मालूम है 8/1/1 × मतलब मैं वैसे एक टर्म और लिख देता हूँ यहाँ पे आपका 100, तो मेरा ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब ये एक चीज और यहाँ पे क्या आएगा, आपका 1 ही आना था क्योंकि वो 10 को टेक केयर कर लेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। अब देखो मैं सीधा करूंगा, 1/2 तो बाहर था ही, सारी टर्म कैंसिल हो रही है, फर्स्ट और लास्ट टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो 1/1 − 1/1/1 देखो अब क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैंने देख लिया कि 1/2 और ये कितना आ गया 1/1/10 / 1/1/1, तो ये मैं काटूंगा तो 55/1/1/1 मेरा आंसर है। देखिए ये तरीका, ये जो मैं बता चुका हूँ ना, वही मैंने जो लास्ट 2 क्वेश्चन कराए हैं और 3 क्वेश्चन, बल्कि लास्ट 3 क्वेश्चन इस तरीके से कराए हैं। देखो ये आपके डाउट्स इसलिए हुए क्योंकि आप क्या करते हो, आप एक ही बार देखते हो कोई भी चीज, आपको उस चीज में अगर परफेक्शन चाहिए तो आप बार बार देखिए और उसको समझिए। देखिए इस चीज से किसी को कोई फायदा नहीं होता, यूट्यूब को कोई फायदा नहीं होता आप बार बार देखते हो तो, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए ही है सब कुछ। अब देखिए जो प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, वो जो क्वेश्चन था वो बहुत ही एक आपका 100 साल से चलती हुई सीरीज है और इसका प्रूफ भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये रामानुज जी का सीरीज का कंसेप्ट था और ये यूज कहाँ होती है, ये ब्लैक होल्स को स्टडी करने के लिए, स्ट्रिंग थ्योरीज को स्टडी करने के लिए यूज होती है। तो इससे पहले ये आपको सॉल्व कराना है, तो उससे पहले एक चीज समझिए, सपोज कीजिए एक आपकी सीरीज है S1 और यहाँ पे आपका है 1 − 2 + 3 − 4 + 3 + 4 इस तरीके से आपका चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 इस तरीके से लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, दोनों यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन प्लस करता हूँ, तो 2S1 कितना आ जाएगा मेरा, देखो ये तो आपका 1 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद आपने क्या किया है यहाँ पे −1 + 1 − 1 + 1 इस तरीके से आपका आधा चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा कितना था, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में 1/2, तो S1 2 × S1 तो S1 मेरा कितना आ गया 1/4, ये निकालना बहुत जरूरी था। इसकी पूरी डेरिवेशन करा रहा हूँ मैं, वैसे आपका यूजफुल नहीं है ये इतना, क्योंकि मैंने पूछ लिया था आपसे, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि ईजी क्वेश्चन पूछते हैं,
लेकिन मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो और आप करो। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि रामानुज जी का क्वेश्चन है, तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है, लेकिन आपको ये इतना करना नहीं है, आपको याद करना है कि इसका आंसर -1/12 है। कैसे है वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। अब आगे देखिए S2 क्या है। S2 मैंने S2 नहीं, मेरी S जो सीरीज है जो ऑलरेडी गिवन है 1+2+3+4 इस तरीके से इन्फिनिटी, और जो मेरा S1 था वो मैंने लिख दिया। मैंने S1 क्या लिया था, 1-2+3-4+5 इस तरीके से मेरा ये चल रहा है इन्फिनिटी तक। अब देखिए अगर मैं S2 सॉरी ये क्या है मेरा S-S1 करता हूँ ये वाला, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 मैं शिफ्ट करके करूँगा। दूसरी चीज अगर मैं 2-2 मतलब 4, फिर आगे 8+12+16 इस तरीके से। देखो मैं यहाँ पे मेरे को शिफ्टिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस ये क्या सीरीज, ये आपकी जानने वाली सीरीज है या नहीं है। अब देखो एक चीज़ और, S-1/4 क्योंकि S ऊपर मैं S1 निकाल चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 4 मैंने कॉमन ले लिया, फिर से 1+2+3+ ये मेरा इन्फिनिटी तक, जिसको मैंने क्या मान रखा है, एक्चुअल में मैंने S मान रखा है। तो आप देखिए अब ये अगर मैं 4S को उधर लेके जाऊं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1-1/12। मैं सीधा लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ और इसको मैं, या फिर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो S में से 4S में से अगर S जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3S, और -1/4 देखो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, 3S इसको कैंसिल कर देता हूँ, 3S इक्वल्स टू, एक सेकंड मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, हाँ 3S इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है, -1/4, 3S इक्वल्स टू -1/4 और आपका S इक्वल्स टू -1/12। ये आपका प्रूफ था, जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो उसमें आपको आंसर पता होना चाहिए। लेकिन मैंने प्रूफ करवाया, क्योंकि प्रूफ आप नहीं कराऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया और आंसर बता दिया। अब देखिए आपका होमवर्क है, पिछली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है पूरा कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर मैंने एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, और ये क्वेश्चन वैसे आपको मिल भी जाएगा और आपको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्रीवियस क्लास देखिए, तब भी नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, फिर आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ऐसा क्या है इसमें, फिर आप आराम से कर सकते हैं और फिर आप कमेंट में अपना आंसर डाल सकते हैं। अब देखिए हमने सबने बच्चों ने बोला कि फेसबुक ग्रुप बनाइए, तो हम फेसबुक ग्रुप बना चुके हैं, आप उसमें ऐड हो सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप फेसबुक ग्रुप का, और टेलीग्राम ग्रुप में तो आप लोग हैं, और ऐड हो जाइए। और ये मेरी ईमेल आईडी, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी, हो सकता है मैं एक क्लास और लूँ लेकिन वो बाद में लूंगा, जिसमें मैं आप सबके डाउट्स लूंगा सीरीज वाले। लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, फैक्टोरियल वाली सीरीज होगी, बहुत डिफिकल्ट होती है लेकिन हम उसको बहुत स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे और आपके ऑप्शन से उठाने की भी कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आपकी क्लास ओवर होती है, थैंक्स अ लॉट।